नमस्कार, एमवी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहद इंपॉर्टेंट और आपके लिए लाभदायक साबित होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आइए आज के वीडियो में देखते हैं क्या है खास। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में तिल को बड़ी अहमियत दी जाती है। अलग अलग जगह पे मौजूद तिल बहुत अलग अलग अहमियत देते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे शरीर के चार अंग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर तिल होना भाग्यशाली होने की निशानी होती है। जिस भी इंसान के इन चार में से किसी भी एक अंग पर तिल मौजूद हो तो वो इंसान औरों से बहुत ही अलग और बहुत ही खास होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं उन चार अंगों के बारे में जिस पर तिल हो तो काफी शुभ होता है। पहला, हथेली। हथेली पर तिल वाला व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही जल्दी तरक्की हासिल कर लेते हैं। ज्योतिष के अनुसार ऐसे लोगों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती है, इसलिए ऐसे लोग जल्द ही तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ जाते हैं। एक खास बात और आपको बता दे कि हथेली पर तिल वाले व्यक्ति कभी हार नहीं मानते, यानी कि वो जीवन में हमेशा जीत ही पाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा, नाक। ऐसा माना जाता है कि जिन लोगों की नाक पर तिल होता है उनका स्वभाव बहुत ही नखरेला होता है। ऐसे लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन यह लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। इन लोगों को जिंदगी में ज्यादा परिश्रम या हानियां नहीं झेलनी पड़ती, इन्हें तरक्की आसानी से मिल जाती है। तीसरा, ठोड़ी। जिस भी व्यक्ति पर ठोड़ी पर तिल हो वह लोग काफी शांत स्वभाव के होते हैं। ऐसे लोगों के सभी बिगड़े काम बड़ी ही आसानी से बनने लगते हैं। यह लोग अपनी मधुर वाणी और चतुर बुद्धि से सारे कामों को अपने पक्ष में पलटा लेते हैं। चौथा, पीठ। यदि किसी व्यक्ति की पीठ पर तिल हो तो वो व्यक्ति बहुत रोमांटिक माना जाता है। स्वभाव से रोमांटिक होने के साथ साथ यह लोग काफी बुद्धिमानी भी होते हैं। इन्हें करियर में हर तरह की सफलता मिलती है जो ये पाना चाहते हैं। इसके अलावा इन लोगों को जीवन में कभी भी पैसों की कमी नहीं झेलनी पड़ती। तो दोस्तों, ये थे उन चार जगहों पे मौजूद तिल के बारे में जो ये बताती है कि आप काफी भाग्यशाली हैं। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप हमारे इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करेंगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले और मेरे इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें।